16 दिसंबर 2012 पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया से गैंगरेप होता है। बस ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और एक नाबालिग केस में आरोपी बनते हैं। 10 सितंबर 2013 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 9 महीने में मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को दोषी करार दिया। पांचवें आरोपी राम सिंह पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि मार्च 2013 में उसने तिहाड़ जेल की एक सेल में खुद को फांसी लगाकर जान दे दी थी। 1 नवंबर 2013 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले को फिर हाईकोर्ट रेफर कर दिया और 1 नवंबर 2013 से हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई डेली बेसिस पर यानी रोजाना शुरू हुई। 13 मार्च 2014 जुर्म के 15 महीने बाद हाईकोर्ट ने इन चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 2 जून 2014 निर्भया के गुनहगारों में विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर ने इस फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 20 दिसंबर 2015 पूरे 3 साल बाद निर्भया के गैंगरेप में नाबालिग को सुधार गृह से रिहाई मिल गई, यानी वो इस मामले में बच निकला। 5 मई 2017 पूरे 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने इस वारदात को गम की सुनामी बताया। 6 नवंबर 2017 चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर की। 9 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश सिंह, विनय और पवन की याचिका खारिज कर दी। 29 अक्टूबर 2019 तिहाड़ जेल ने निर्भया के दोषियों को मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया। 18 दिसंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसी हफ्ते तिहाड़ जेल ने दोषियों को फिर से दया याचिका दायर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। 7 जनवरी 2020 पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट यानी मौत का वो फरमान जारी कर दिया जिसके बिना तिहाड़ जेल दोषियों को फांसी पर नहीं लटका सकता। इस डेथ वारंट में चारों गुनहगारों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने के आदेश दिए गए। इसके खिलाफ कोर्ट में दलील दी गई कि मुकेश सिंह और विनय शर्मा के पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का अधिकार बाकी है। 9 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई। 17 जनवरी 2020 दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी किया और डेथ वारंट में फांसी की अगली तारीख दी गई 1 फरवरी सुबह 6 बजे। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले में दिल्ली सरकार को खत लिखकर फांसी की नई तारीख मांगी थी। 20 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की जुर्म के वक्त जुवेनाइल होने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई नया आधार नहीं है।